सस्यकाल ताई जी, खुश रहो बेटा। नैना जी, जी लाइए, मैं चाय बना देती हूँ। देखा नैना, कितने प्यार से और दिल से चाय बनाई जा रही है। हमारे उदय के लिए बना रही हो ना, हमारे नहीं अब तुम्हारा उदय। शर्मा क्यों रही है जी? पता नहीं उन्हें ये चाय पसंद भी आएगी या नहीं। पसंद आएगी और जरूर पसंद आएगी। और मेरा उदय है भी इतना सीधा और भोला कि उसे कुछ भी बना के दे दो, सब पसंद आता है। तुम्हें एक बात और बताओ, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होते हुए जाता है, इसलिए अब सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलानी पड़ेंगी। देखना फिर हमारा उदय कैसे खुश रहता है। एक सेकेंड, लाजवंती तुम अंदर आओ। शिवू, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। That's so sweet of you. यहां भी रख दो। लीजा, 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 उठो लीजा। जी वो मैं एक कप चाय लाई हूँ। लीजा जी तो चाय पीते नहीं है ना? जानता हूँ। लीजा, लाजवंती, गुड मॉर्निंग। लीजा देखो, लाजवंती कितनी अच्छी है, मेरे लिए चाय लेकर आई है। ओह, सो नाइस ऑफ यू। थैंक्स लाजवंती। जी अब मैं चलती हूँ। लीजा ये तुम क्या कर रही हो? लाजवंती के सामने मुझे किस कर दिया? सो व्हाट अब है? मैं नहीं जानता था लाजो यहाँ पर है। एंड क्या मैं अपना रूम में अपना मर्जी से नहीं रह सकता? लेकिन लीजा, ओ अबे, यू आर माय हस्बैंड, मैंने तुमको किस किया, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? तुम किसी भी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबे, तुम मेरा हस्बैंड है। आई डोंट नो ये तुम्हारा संस्कार में है या नहीं। मम्मी जी, अरे लाजवंती, चाय तुम लेकर आ रही हो? नैना नहीं है क्या? जी नैना जी है ना, पर ये चाय मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। मैंने लीजा जी के कमरे में भी एक कप चाय दे दी है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस घर के सभी लोगों के प्रति अपना फर्ज निभा सकूं, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। ठीक है ना मम्मी जी? बिल्कुल लाजवंती, जा जाकर उदय को चाय दो। जी उदय के लिए नैना ही चाय लाती तो ठीक था, पर ये तो लीजा के लिए भी, माय गॉड।
जी वो मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आई हूँ। लाजवंती मेरा अभी चाय पीने का मूड नहीं है। अच्छा लेकिन अगर तुम इतने प्यार से लेकर आई हो तो मैं जरूर पीऊंगा। जी वो आप ऑफिस में बाहर का खाना क्यों खाते हैं? मैं आपके लिए टिफिन बनाकर भेज दिया करूंगी। एक बात और, आपकी जो भी जरूरी चीजें हो ना मुझे बता दीजिएगा, मैं ये देखूंगी कि आप कोई भी जरूरी चीज भूल ना जाए। हेलो, हाँ मिस्टर राज, मैंने पेपर्स भेज दिए हैं, आप उनकी करेक्शंस कर दीजिएगा। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? अचानक से सर दर्द शुरू हो गया। मैं सर दबा दूँ? नहीं नहीं, एक्चुअली परेशानी कुछ और ही है। वो क्या है ना लाजवंती, मैं हूं तो नए जमाने की औरत, लेकिन जब बात अपनों की आती है तो सारे पुरानी बातों पर विश्वास होने लगता है। बात क्या है मम्मी जी? कल रात तुम्हारे और उदय के बीच कुछ खैर कोई बात नहीं, उसमें कुछ गलत तो नहीं हुआ है, आज नहीं तो कल होना ही था। लेकिन अगर मुझे कल रात पता चल जाता तो शायद तुम कुछ होने से रोक देती। नहीं मम्मी जी, आप जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। थैंक गॉड तुमने आने वाली बला को रोक दिया। अब कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। पर किससे मम्मी जी? उसी से जो तुम्हें और उदय को बुरी नजर से बचाएगा और तुम दोनों पर हर आने वाली बला को खत्म कर देगा। ये काम बहुत जरूरी है लाजवंती, तुम तैयार रहना। जी वो तुम इस वक्त तैयार होकर? अब जी वो मम्मी जी मुझे कहीं ले जाना चाह रही है, पर मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं। लाजवंती मॉम तुम्हें कहीं भी लेकर जाना चाहे तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। मामा आप कहीं जा रही हैं? हाँ एक जरूरी काम था। वो मैं ना कॉलेज जा रही थी, तो आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर देंगे? सॉरी बेटा मैं उस तरफ जा नहीं रही हूँ और मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, ड्राइवर से एक दूसरी कार ले लो और ड्राइवर को कहो कि तुम्हें वो ड्रॉप करे। मम्मी जी मैं तैयार हूँ।
आओ लाजवंती आओ, वक्त पर तैयार हो गए। मैंने उनसे बात कर ली है, वो हमारा इंतजार कर रहे, चलो वरना देर हो जाएगी। ओके जी, बाय बेटा। बाय। आओ लाजवंती। कभी तो मम्मा कहती हैं कि लाजवंती भाभी उदय भैया के लायक ही नहीं है, सोसाइटी में उठने बैठने के लायक नहीं है, और आज उनको बाहर लेके जा रही है। क्या हो गया है मम्मा को? बताइए ना दादी, जब मम्मी इस घर पर बहू बनकर आई थी तब आपको कैसा लगता था? बड़ी चिंता होती थी पुत्र, जिस तरह का डर नई बहू के मन में होता है ना, वैसा ही डर सास के मन में भी होता है। नई बहू के मन में होता है कि मेरी सास कैसी होगी, और सास के मन में होता है कि आने वाली नई बहू घर को और घर के लोगों को संभाल पाएगी कि नहीं। अच्छा दादी, फिर मम्मी के घर आने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत निराश हुई पुत्र, रमा तो घर आ गई लेकिन मुझे बहू नहीं मिली। क्या मतलब दादी? जिस दिन से रमा घर आई ना, मुझे बेटी तो मिल गई लेकिन बहू का सुख नहीं मिला। पुत्र तेरी माँ है ही ऐसी, वो कभी भी किसी को किसी तरह की शिकायत नहीं होने देगी। हाँ, और रेखा चाची, दादी आपने उनके बारे में तो कुछ बताया नहीं। वो रेखा, रेखा, अरे वाह, ये सास और बहू की जोड़ी आज कहाँ जा रही है? देखिए ना मम्मी जी, जब से उदय और लाजवंती की शादी हुई है, इनके पास खुशियां आके रुक जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं पंडित जी के पास लेकर जाऊं, शायद उनके आशीर्वाद से इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी, लेकिन रेखा तुम तो पहले इन बातों को नहीं मानती थी। रमा पुत्र, जब माँ अपने बेटे और बहू को प्यार करती है और उनकी खुशियों के बारे में सोचती है, तो वो माँ उनके लिए क्या नहीं कर गुजरती। आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी जी, अब बच्चों के लिए अपनी जिद तो छोड़नी ही पड़ेगी, और फिर बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ वरना देर हो जाएगी। ठीक है पुत्र, जाओ पुत्र जाओ। दादी, लाजवंती भाभी कितनी अच्छी है ना। वो तो है ही, रेखा और लाजवंती में इतनी अच्छी निभ सकती है, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। अरे हाँ, लीजा कितनी है पुत्र, अभी तक नीचे नहीं आई? वो तो सो रही होंगी, अब उन्हें कहाँ आदत है इतनी जल्दी सुबह सुबह उठना। उमा, इतनी करवाट अच्छी नहीं बेटा, दरअसल मम्मी जी वो अभय और लीजा अपने कमरे में जा रही है। क्या सोच रही हो? अबाउट लाजवंती। लाजवंती के बारे में? या She is such a nice girl. उसने तुम्हारा लिए अपना हाथ से चाय बनाया। I'm really impressed. वैसे लीजा, अब वक्त आ गया कि तुम्हें भी ये सब करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के तुम्हें भी सबके लिए चाय बनाना चाहिए, जैसे लाजवंती करती है। अबे, I try my best. मैं सुबह उतना चाहता है like लाजवंती। But I can't wake up. I want to be a good beau, like you want me to be. मैं तुम्हारा family को कुछ रखना चाहता है. But it's okay. Forget it. But don't worry, Abhi. I'll make this a habit. मैं सुबह जल्दी उठने का कोशिश करेगा. I'm sure तुम्हारी ये कोशिश जरूर कामयाब होगी. वैसे लीजा, उदय कितना लकी है ना, उसकी जिंदगी में लाजवंती जैसी लड़की है।
And what about you? You're not a lucky guy? सोचना पड़ेगा. तुम इतनी टेंस क्यों हो लाजवंती? मैं तुम्हें कहीं रेस्टोरेंट में नहीं लेकर जा रही हूँ. मैं वाकई तुम्हें पंडित जी के घर पे लेकर जा रही हूँ. पुरानी बातें अभी भूल जाओ. तुम जानते हो लाजवंती, ये बहुत नामचीन पंडित जी हैं. जो कुछ भी बोलते हैं सब कुछ सही होता है. और तुम तो जानती हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी और उदय की खुशियाँ चाहती हूँ. तुमने देखा लाजवंती कि आज घर वाले कितने परेशान और हैरान थे कि मैं तुम्हें पंडित जी के पास लेकर जा रही हूँ. लेकिन आजकल इन सारी बातों पर मेरा पूरा यकीन होने लगा है. मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बातें अगर भगवान के हाथों में हैं तो कुछ बातें इंसानों के हाथों में भी हैं. लेकिन जब इंसान रणबीर भाई साहब के जैसे हो तो फिर तुम्हें पता है कि क्या होता है. वैसे लाजवंती, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है. हाँ, लोग कहते हैं कि ये किस्मत का खेल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रणबीर भाई साहब के नादानी का नतीजा है. अगर एक इंसान किसी इंसान को सुख नहीं दे सकता तो उसे कोई और इंसान को दुखी करने का हक भी नहीं बनता. रणबीर भाई साहब ने अगर पहले से ही घर वालों की बात मान ली होती तो ये सब कुछ नहीं होता. खैर, जो होना था वो तो हो गया. लेकिन अब हर संकट तुम्हारे और उदय की जिंदगी से दूर रहे, यही मैं चाहती हूँ, है ना लाजवंती? जी खन्ना जी, जी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पैसे पहुंच गए. और उस फैक्ट्री के बारे में आपसे बात करनी है जी. जो पैसा होगा देने को तैयार. ठीक है. अरे बात तो सुनो. तो मिलते हैं जी खन्ना जी. आप क्या कह रहे थे बनवारी जी? मैं यही कह रहा हूँ साहब कि भगवान नाम की भी कोई चीज हो, है कि नहीं? अब आपके और मेरे बीच में भगवान कहाँ से आ गए? अरे भगवान तो हर जगह मौजूद है साहब. अब देख लो, आप ही देख लो जी, भगवान की लीला तो है ही कि उन्होंने रेखा देवी की खोपड़ी ऐसी घुमाई कि वो उदय बाबू को सही वक्त पर लेकर गया. नहीं तो आप तो ये बात को सोच करके कितने परेशान है, एक ना है परेशान, है कि नहीं? परेशान तो मैं बहुत हूँ बनवारी जी. ये उदय का सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में बैठना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है. अरे यही वक्त उसे लाजवंती के साथ बिताना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के नजदीक आए. लेकिन इस रेखा की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. रणबीर बाबू, आप फिक्र छोड़ दो, सब काम एकदम बराबर होएगा, पक्को नक्की. अरे देख लो आप, उदय बाबू के हनीमून को प्रोग्राम भी एकदम पक्को है. पक्को है कि ना है? रणबीर बाबू जी, बात बहुत गलत है साहब. आजकल तो आप खुश होने की बात पर भी खुश ना हो. आपको दिन दिमाग कहाँ है आजकल, ये तो बताओ. वो देखे घूमने फिरने लाजवंती को समझाने के लिए खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मैं इन मामलों में जल्दबाजी नहीं करता बनवारी जी. का मतलब? मतलब ये बनवारी जी कि मुझे रेखा रत्ती भर भी पसंद नहीं है, रत्ती भर भी. उसकी चाल को समझने के लिए दिमाग की जरूरत है, क्योंकि उसकी हर चाल के पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर छिपा होता है. अगर उदय को यहाँ वापस लेकर आइए ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मतलब जरूर है. बस जब तक उदय और लाजवंती हनीमून के लिए रवाना नहीं हो जाते तब तक मुझे रेखा पर नजर रखनी होगी. रेखा, तुम जितना उदय लाजवंती को दूर करने की कोशिश करोगी, मैं उतना इन दोनों को नजदीक लेकर आऊंगा.